सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कॉफी विद करण में कहे गए अपने अपशब्दों को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बॉलीवुड न्यूज आउटलेट केआरके बॉक्स ऑफिस ने धमकी दी है कि वे जल्दी ही पांड्या की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वे इस बात का खुलासा करेंगे कि पांड्या कितने बुरे व्यक्ति हैं। पांड्या को शो में अपने महिलाओं को लेकर कहे गए अपमानजनक कमेंट को लेकर चारों तरफ से लानते भेजी जा रही है। वह इस टॉक शो में टीममेट केएल राहुल के साथ शामिल हुए थे। इस दौरान राहुल ने हद में रहते हुए जवाब दिए, लेकिन पांड्या हद को पार कर गए। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि जब मैंने पहली बार संभोग किया था और घर आया था तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं करके आया हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने पिता को पार्टी में ले गए थे और उन्होंने बताया था कि किस लड़की को वह डेट कर रहे हैं और सभी की ओर उन्होंने एक एक करके इशारा किया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लताड़ा जा रहा है। बहरहाल अब वह नए विवाद में फंसते जा रहे हैं। केआरके बॉक्स ऑफिस ने बताया कि वे जल्दी ही पांड्या की एक नई एक्ट्रेस के साथ बातचीत सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, हम कुछ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ हार्दिक पांड्या की बातचीत सबके सामने शुक्रवार को लाएंगे, तब सारी दुनिया को पता चलेगा कि वह कितने बुरे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।